बिलासपुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल के विज्ञान भवन के ऊपरी मंजिल के बाहर बनी एक अलमारी में लगभग 10 बजे के करीब अचानक आग लग गई। अगर इसमें रहते यहां पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारी नहीं पहुंचते तो एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने दूरभाष पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को बिलासपुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल के विज्ञान भवन के ऊपर मंजिल के बाहर बनी एक अलमारी में आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम अग्निशमन अधिकारी सुभाष मिश्रा के नेतृत्व में पहुंची तथा आग बुझाने में जुट गई। इन कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि यहां पर एक अलमारी जैसी बनी है जिसमें बिजली की तारें आपस में जुड़ी हुई थी तथा इसी में टाट पट्टी व सामान रखा हुआ था। इस घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उधर अग्निशमन अधिकारी सुभाष मिश्रा ने बताया कि एक व्यक्ति ने दूरभाष पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को बिलासपुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल के विज्ञान भवन के ऊपरी मंजिल के बाहर बनी एक अलमारी आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। विभागीय टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य शुरू किया तथा कड़ी मशक्कत कर इस आग पर काबू पाया गया। बजे 30 बदमानी का फोन आया कि बॉय स्कूल की ऊपरी मंजिल में आग लगी है। आग की सूचना मिलते ही तुरंत फायर क्रू घटनास्थल पर पहुंचा, जाकर देखा तो बॉय स्कूल का गेट जो था उसमें ताला लगा हुआ था। फायर कर्मचारी ने उस ताले को जो है काट के अंदर जाके जो है उसकी आग बुझाई और आग एक अलमारी थी, अलमारी में उन्होंने चटाइयाँ वगैरह रखी थी और बाकी सामान रखा उसमें लगी थी। तो ये आग किन कारणों से लगी थी? ये ऐसा लग रहा है उस अलमारी में कहीं बिजली का पॉइंट था एक, ऐसा लग रहा है। हमारे प्रथम जाँच यही है कि उसमें शायद शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, क्योंकि स्कूल तो चारों तरफ से बंद था, तो यही कारण हो सकता है। बाकी कारण का तो अभी जांच की जाएगी। वैसे तो लग रहा है भाई शॉर्ट सर्किट।